नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिहर नाथ त्रिवेदी अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ ठंड में होने वाली सर्दी एवं खांसी की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए दो होम्योपैथिक औषधियों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, जिसका सेवन करके आप बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं। साथ ही साथ एक सिरप भी बताऊंगा, जो कि बहुत ही कारगर सिरप है, जिसे बच्चे, बूढ़े एवं जवान सभी व्यवहार में ला सकते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठंड के मौसम में, ठंड की शुरुआत में सर्दी, खांसी, बुखार ऐसे लक्षण बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे शरीर में ठंड का रिएक्शन होने के पश्चात बहुत जल्दी सर्दी, खांसी एवं बुखार हो जाता है। इसके लिए पहला कॉम्बिनेशन है एकोनाइट 200, स्पोंजिया 200, एंटीमटाट 200 एवं हीपर सल्फर 200। इन चारों औषधियों को आपको समान मात्रा में मिला लेना है। जब सर्दी खांसी बहुत ज्यादा रहे तो इसे पहले दिन एक एक घंटे के अंतराल पर दो बूंद सेवन करना है। अगले दिन से सुबह, दोपहर एवं रात्रि में इसका सेवन करना है। आप देखेंगे आपको बहुत जल्द लाभ मिलेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन है जस्टिसिया आधा टोडा मदर टिंचर एवं स्पीडो अस्पर्मा क्यू मदर टिंचर एवं ऑसिमम सेंक्टम क्यू मदर टिंचर। इन तीनों औषधियों को आपको मदर टिंचर में लेना है एवं समान मात्रा में मिला लेना है। 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में डालकर व्यस्क लोग दिन भर में तीन बार सेवन करें। बच्चों को 10 बूंद की मात्रा देना है और अंत में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा सिरप के विषय में बताने जा रहा हूं, जिसका सेवन बच्चे, बूढ़े एवं जवान सभी कर सकते हैं और इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। उस सिरप का नाम है बापी सिरप। बापी सिरप को आपको छोटे बच्चों को 2.5 ml सुबह, दोपहर, शाम सेवन कराना है। वयस्क एवं बुजुर्गों को 5 ml सुबह, दोपहर, शाम सेवन कराएं। इन दो औषधियों का, ये दो कॉम्बिनेशन एवं ये बापी सिरप का व्यवहार करने से आप 2 से 3 दिन में ही सर्दी खांसी की परेशानी से छुटकारा पा जाएंगे। जब आपको राहत मिल जाए तो इस औषधि को, इन औषधियों को आपको लगातार 7 दिनों तक सेवन कर लेना है। आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगा। चलते चलते आपसे एक बात और कहना है कि होम्योपैथिक औषधि हो या आयुर्वेदिक औषधि हो या एलोपैथिक औषधि हो, किसी भी औषधि का व्यवहार करते समय योग्य चिकित्सक की निगरानी अवश्य रखें। वे आपके अनुसार दवा की मात्रा एवं उसके लेने के विषय में सही ढंग से बता पाएंगे, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाएगा। तो किसी भी औषधि का सेवन करते समय योग्य चिकित्सक की निगरानी अवश्य रखें। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते चलते आपसे पुनः अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।